नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर शहर के दुर्गा स्थान स्थित अपने निजी आवास राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर प्रसाद गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर राजद परिवार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लॉकडाउन की विधि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को रोकथाम लगाने पर जिस प्रकार सरकारी कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। जहां इतने बड़े देश अमेरिका में यह बीमारी भयावह रूप ले चुकी है, वहीं उसके तुलना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाकर उस पर कंट्रोल किया है, इसलिए मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजनीतिक से हटकर यह धन्यवाद देता हूं। समय पर ही सरकार ने लॉकडाउन लगाकर इस बीमारी पर रोकथाम लगाया है, लेकिन मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर मजबूती से रोकथाम के लिए कार्य कर रही है और करे, साथ ही साथ लॉकडाउन की समय को अवश्य बढ़ाए। वार्ता किस लिए बुलाई गई? राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि लॉन्ग कोड जो है सो कि नहीं उसको टाइट किया जाए और जो सो कानाती कोरोना पर जो है सो अधिक से अधिक रोक लगाया जाए, ताकि जो है कोरोना से लोग बच सके और मरने वाले को संख्या कम हो। इसलिए हम अधिक से अधिक जो है सो उनसे मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि कोरोना पर जो है सो कि नहीं टाइट करे और लॉकडाउन को टाइट करे और जो है सो मतलब क्या कहते हैं मतलब एक मीटर की दूरी पर लोग बरकरार रहे, ताकि कोरोना जो है सो सट नहीं सके। ये छुआछूत की बीमारी है। लॉकडाउन को लेकर के क्या मांग कर रहे हैं? लॉकडाउन को लेकर क्या लॉकडाउन के मांग करते हैं कि जैसो कि जितना टाइट होगा लॉकडाउन उतना ही जो है सो कि नहीं मतलब कि कोरोना भागेगा। जी क्या कुछ मांग करते हैं? राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो है सरकार से मांग करती है, मुख्यमंत्री से मांग करती है कि लॉकडाउन को जो है सो टाइट करने के लिए और कोरोना को जो हटाने के लिए उसको कानून को बढ़ाया जाए और टाइट किया जाए, टाइम को बढ़ाया जाए। जब टाइम नहीं बढ़ेगा तो कोरोना फिर बढ़ जाएगा, इसीलिए जो है कोरोना को घटाने के लिए टाइम को बढ़ाना पड़ेगा उनको। क्या परिचय हुआ? मनोहर प्रसाद गुप्ता थी पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार के उपाध्यक्ष।